गुड मॉर्निंग। सो मेरी मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से होती है। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, नीचे आती हूँ और एक कप निकालती हूँ जिसमें मैं पानी डालती हूँ और गर्म करके उसको पी लेती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती हूँ मैं। कभी कभी ठंडा पानी भी पी लेती हूँ जब मौका नहीं मिलता है, तो थोड़ी आलसी हूँ ना इसीलिए। तो भाई माइक्रोवेव में पानी गर्म कर लेते हैं, ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, नो मोर देन दैट। और वो हल्का सा गुनगुना हो जाता है पानी, पीने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि विंटर में ना न्यू जर्सी में बहुत ठंडा रहता है, तो थोड़ा गर्म गर्म जब पेट में जाता है ना तो दिल को भी अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में गर्म पानी पीना अच्छा भी होता है, तो पानी पीते रहना चाहिए, अच्छी बात है। आज हमारा बनने जा रहा है ये डिलीशियस सी टमाटर की चटनी, और मैं बनाने जा रही हूँ मेथी का पराठा। इसे थोड़ा धीरे कर देते हैं। ये रहा हमारा मेथी का आटा सना हुआ और ये तवा चढ़ा है, बस अब फटाफट मेथी का पराठा बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं ना अपने बेलना चौकी के नीचे ज़रूर एक कपड़ा डाल देती हूँ ताकि वो फिसले भी ना, और जो भी गंदगी भी हो ना वो भी ज़्यादा ना होए। और ये मैंने आटा पहले ही गूंथ के रख लिया था, मेथी को कट के छोटा छोटा करके ना, उसे बहुत मुझे टेस्टी लगता है। और उसके साथ मैं बना रही हूँ ये टमाटर की चटनी, यमी यमी सी देख रहे हो, बन चुकी है हमारी ऑलरेडी। और यहाँ पे हमारा ये पराठा रेडी हो गया है। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो मैंने प्लेन पराठा भी बना लिया और मेथी का भी है, और थोड़ा सा मीठा आलू का पराठा। ये देखो आधी ने आधा केला छोड़ा, आधी नहीं पीहू ने, तो ये हमारे मेथी के पराठे एकदम बन के रेडी हो गए। अब ये प्लेन पराठा बन रहा है मीठे आलू जो बचा हुआ था। तो या सो गुड मॉर्निंग यू ऑल। सो अभी हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और हम ब्रेकफास्ट सब कुछ कर चुके हैं और आदि को भी मैंने सुला दिया है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस ऑलरेडी निकल चुका है। और ये रही पीहू, से हाय, गुड मॉर्निंग। तो मुझे तो यार उठने के बाद फिर से नींद आ रही है, वो है ना इंस्टाग्राम पे वीडियो की दो, मतलब 5:30 बजे उठो और 2 सेकंड के लिए बस आंखें बंद करो और 8 बज जाता है। कसम से ऐसा ही होता है, ये बिल्कुल सच लाइन है। तो ऐसा ही कुछ मतलब उठना पड़ता है यार, लेकिन अपने लोगों को ना, मतलब हम लोगों को, हम जैसे लोगों को उठना पड़ता है जिसके पास कोई हेल्प नहीं है। तो फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी है, नाश्ता भी हो चुका है और बस अब थोड़ा इधर उधर देखते हैं क्या करते हैं। What do you want? Jump? और हमने बालों में ऑयलिंग की हुई है बहुत अच्छे से, पीहू ने भी ऑयलिंग की हुई है, मतलब उसको मैंने ऑयलिंग की और मैंने भी बहुत अच्छे से ऑयलिंग की। आज बाल को वॉश करना है क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि क्या इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, थोड़ा रिलीफ मिले। थोड़ा रिलीफ तो मिल गया है बट स्टिल बहुत ज़्यादा थकान अभी भी महसूस हो रही है। ये जो पीछे देख रहे हो आप, यस दिस वन, ये मैंने ही बनाया है और बहुत ही इजी है बनाना। जस्ट फ्रेम लाके, और ये जो है ना ये टेबल मैट है एक्चुअली में, प्लेस मैट, टेबल मैट, और उसी को बस लगा दिया है। सो आई लव देम, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और मैंने बहुत सारी चीज़ें यार, आई लव DIY, व्हाट आई विल से। सो बस सोचा चलो शूट किया जाए, पर घर इतना फैला हुआ है ना तो पहले तो भाई इसे क्लियर किया जाए, तो फटाफट इसे क्लीन करते हैं, मेरा फटाफट वर्ड। मैं ऑलवेज सोचती हूँ कि इसे अवॉइड करो बट अवॉइड नहीं कर पाती हूँ। अच्छा तो देखो क्लीन हो गया, इसी एरिया में मुझे शूट करना है। अब आई बारी की क्या शूट करना है, बट मुझे ना वो एक खिलौना दिख गया, मुझे लगा यार इसको भी थोड़ा सा साइड मार देते ताकि एकदम क्लीन एंड क्लियर रहे। लेकिन वो देखो वो पिंक कलर की स्लीपर अभी भी दिख रही है, और ये मैं अपने घर के ड्रेस में। अच्छा तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहनी जाए, अब और क्या कर सकते हैं ना, शादियों में तो US में रह के कहीं जाने को मिलता है नहीं साड़ी पहनने का, तो घर पे ही शूट कर लेते हैं अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के, रील तो बनी जाएगी ना। ब्लाउज तो देखो है नहीं, तो जा रही हूँ ट्राई करने टॉप के साथ, और कलर मैच कर नहीं रहा है क्योंकि विंटर है, तो ऑफकोर्स विंटर वाला ही स्टाइल ट्राई करना चाहिए। और देखो ये मैं आ गई अपनी साड़ी के साथ, ग्रीन कलर की प्यारी सी साड़ी है जिसका बॉर्डर पिंक कलर का है। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है बट कभी पहनने को मौका नहीं मिला है, मिलता भी है मौका तो इतने जल्दी जल्दी में मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। तो रील बनाने के लिए अच्छा मौका था, अच्छा पल था, मैंने कहा चलो पहन लेते हैं भाई। लेकिन यार इस साड़ी को पहनने में ना, मतलब क्या बोलूँ, कितना समय लग गया मेरा मैं बता नहीं सकती हूँ, पर अच्छी ज़रूर लग रही थी।
और फिर मेरी ये दूसरी साड़ी, ये मुझे ज़्यादा पसंद आई, बड़ी ही सिंपल तरीके से पहनने को, मतलब इजी थी पहनना, और उसी ब्लाउज़ के साथ पहन लिया, उसी ब्लाउज़ नहीं एक्चुअली उसी टॉप के साथ मैंने इसे पहन लिया। और डांस के स्टेप तो बनते हैं ना, तो मैंने इसीलिए इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दिया यार, क्योंकि मैंने डांस किया इस पर, मुझे पता नहीं था, मेरा जस्ट दिल कर रहा था। आदि लेट जाओ दूध पीने, लेट के ये लो अपना पी लो। ये कौन सा स्टाइल है आदि, तू कहाँ सोएगी, कहाँ पापा के पास लेटना है कि इधर लेटना है? इधर इधर, तो लेट जाओ इधर, इधर इधर मुकर के लेट जाओ, चल इधर मुकर के। हाँ आदि बोलो, कुछ बात बतानी है? नहीं यार, ये सब बन जाता है घर में, गार्लिक ब्रेड ब्रेड। किसको ब्रश करना है? आदू मम्मा, आदू तो किसी दो मम्मा को, यू वांट टू गिव किसी मम्मा, जल्दी से जल्दी से जा खेलो अब थोड़ा, जाओ आदि को भी ले जाओ। तो मैं अभी आई हूँ प्लेइंग एरिया में, आप देख रहे हो कमरे के हालात कितने बिगड़े हुए हैं, और ये देखो ला 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 ला, ए बदमाशो आहा, ये देखो ये मेरी पेंटिंग मैंने ही की है, दिख नहीं रहा बहुत ज्यादा अच्छे से, यस आई डिड दैट, ला 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 रू 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 रू। सो फ्राइडे नाइट है और अबे गए हैं पिज्जा लेने के लिए, और बस वेट कर रही हूँ पिज्जा का, फिर मैं नहाने जाऊंगी पहले। अरे क्या हो गया, व्हाट जस्ट हैपेंड, इस कमरे की आपने क्या हालत की, आपने और दीदी ने मिलके, हाँ आपने और दीदी ने मिलके इस कमरे की क्या हालात बिगाड़े हुए हैं, कौन ठीक करेगा इसे, कौन ठीक करेगा?